लॉकडाउन इम्पोज किया गया है। ये लॉकडाउन चलेगा मंडे मॉर्निंग सुबह 7 बजे तक। सारे रेजिडेंट्स ऑफ रजौरी से मेरी यही अपील रहेगी, ये एडवाइजरी रहेगी कि जितना भी गैर जरूरी ट्रैवल, अननेसेसरी ट्रैवल है, वो हर हालत में अवॉइड करें। जितनी भी इसेंशियल फैसिलिटीज है उनको फैसिलिटेट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सारी जनता से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ भी थोड़ा पेशेंस रखें। जहाँ पे किसी को भी कोई फैसिलिटेशन की ज़रूरत है वो अपने कंसर्न लोकल थाने से राबता करें, अदरवाइज हमारे जितने भी SDPOs हैं, जोनल SPs हैं, उनसे राबता करें। जहाँ भी जो फैसिलिटेशन की ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। कोविड के जो हमारे स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, कल का डेटा अगर देखें तो हमारे पास 892 एक्टिव पॉजिटिव केसेस थे, उसमें से 133 केसेस कल ही पॉजिटिव आए थे। तो इन नंबर से ही आपको पता चलता है कि इस इश्यू को काफ़ी संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि कोविड के इस इश्यू को बहुत सीरियसली लें, इसे लाइटली ना लें। मास्क का, सैनिटाइजर का बड़ा स्ट्रिक्टली यूज़ करें। आप अगर इसेंशियल्स लेने भी कहीं बाहर जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अक्सर हम देखते हैं इवन केमिस्ट के बाहर जो होती है काफ़ी भीड़ होती है, लोग लाइन्स मेंटेन नहीं करते हैं। ऐसी लापरवाही से कोविड और फैल सकता है। पिछले कुछ दिनों में हमने कोशिश किया है कि जितनी भी एनफोर्समेंट हमसे हो हम उसे रैंप अप करें। अप्रैल के महीने में हमने क्यूमुलेटिव फाइन 3,48,000 किया है कोविड वायलेशंस का। आज लॉकडाउन का पहला दिन था तो हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ओवरऑल बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा थ्रू आउट रजौरी डिस्ट्रिक्ट। इसलिए मैं पूरी आवाम जो है रजौरी डिस्ट्रिक्ट का, मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करके इस लॉकडाउन को बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल बनाया है। लेकिन हम सबको ज़रूरत है कि ऐसे ही जिम्मेदारी से अपना फ़र्ज निभाते रहें। आज के टाइम में बेस्ट जरिया नेशन की सेवा और अपनी सोसाइटी की सेवा करना यही है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर रिस्पॉन्सिबल रहें, कोविड SOPs फॉलो करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके अवॉइड करें। जिसको भी सिम्टम्स आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेडिकल हेल्प लेने जाएं और अपना टेस्ट कराएं। जो जैसे एलिजिबल हो जाता है वो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। हमने भी कराया वैक्सीनेशन, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने भी कराया है। तो मैं सबको एडवाइस करूंगी आप जब जैसे एलिजिबल हो जाते हैं तो प्लीज़ वैक्सीनेशन कराएं। एंड इस टाइम में हम सब आपके साथ हैं, कुछ भी ज़रूरत हो, कोई भी मुश्किल हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस रजौरी आपके साथ खड़ा है। थैंक यू। मैम इस पुलिस ने जारी किए हैं ताकि लोगों को जब मुश्किल बने तो वो रापता करें ताकि मदद। आज ही डिस्ट्रिक्ट सिविल एडमिन ने एक जॉइंट कंट्रोल रूम बनाया है, उसके नंबर्स हम आपके साथ हमारे ट्विटर हैंडल पर शेयर करेंगे और एक प्रेस रिलीज के जरिए भी शेयर करेंगे ताकि वो वाइडेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन को उसको एक्सेस हो। लास्ट टाइम जैसे आपने बताया था काफ़ी हेल्प हुआ था इंतजामिया से भी एंड सिविल सोसाइटी से भी। आज भी जितनी हमें अगर केसेस कोई फ्लैग करता है जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज या मेडिसिन की शॉर्टेज, हम अपनी तरफ से फैसिलिटेट कराने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड इस बार भी वैसी ही कोऑपरेशन की उम्मीद रखते हैं आपसे भी और हमसे भी, आपको सेम कोऑपरेशन। मैम जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना आए उस बारे में क्या कोई इंस्ट्रक्शन जारी की गई है पुलिस को ताकि वो वैक्सीन लगवाने जाएं तो लॉकडाउन में कुछ नहीं ना? कहीं हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है परेशानी की। इनफैक्ट आज सुबह ही हमारी टीम DSP हेडक्वार्टर, इंचार्ज पुलिस पोस्ट सिटी और मैं, हम जायजा दे रहे थे सिटी एरिया का, तो हमने देखा कि टाउन हॉल एरिया में वैक्सीनेशन चल रहा था। एंड बहुत खुशी हुई देख के कि पुरुष और महिलाएं दोनों अच्छी तादाद में आके पूरे डिसिप्लिन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे। जहाँ जहाँ वो बोल रहे थे वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं उनको बिल्कुल आराम से छोड़ा जा रहा था। ये मैं बिल्कुल ऑन द स्पॉट की बात कर रही हूँ, आज सुबह आज दिन की बात है। तो वैक्सीनेशन को लेके कोई किसी को इशू नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। लास्ट टाइम भी पुलिस था, अभी 2 दिन का है। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो हमारे जो मैकेनिज्म्स पुराने हैं वैसे ही रिएक्टिवेट होते जाएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे कि ये चैनल से संपर्क करने के लिए इस नंबर को डायल करें 9906068620।